हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में फिर से देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है, 15 वर्षीय सुभाष सिंह चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? नाटोक, झारखंड की बात, एक प्रयास में अथवा पर्दे के पीछे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाटोक। यानी बुसान फिल्म फेस्टिवल में नाटोक फिल्म विजेता रही है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ की रहने वाली यानी राजरप्पा की 15 वर्षीय सुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नाटोक विजेता रही है। इस फिल्म को इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया है। आपको बता दें कि फिल्म नाटोक को सुभांशी द्वारा निर्देशित किया गया है और कैमरा और संपादन का कार्य पार्थ भट्टाचार्य एवं फिल्म का निर्माण एवं लेखन सुभांशी के पिता सुभाषीष चक्रवर्ती के द्वारा ही किया गया है। आपको बता दें कि नाटोक का हिंदी अर्थ नाटक है और यह एक शॉर्ट फिल्म है और 4 मिनट 35 सेकंड का यह फिल्म छऊ नर्तकों पर आधारित है। आपको बता दें कि सुभांशी चक्रवर्ती 15 वर्ष की है और 11वीं की छात्रा है। चलिए अब देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। आज का दूसरा प्रश्न है, अंडर 17 फीफा विश्व कप फुटबॉल में झारखंड के किस खिलाड़ी को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? अनीता कुमारी, अष्टम उराव, पूर्णिमा कुमारी अथवा सुधा अंकिता टिर्की। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अष्टम उराव। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2022 को फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 के लिए घोषित भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली अष्टम उराव को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। विश्व कप के लिए घोषित भारत की 21 सदस्यीय टीम में अष्टम उराव के साथ ही कुल झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यानी 6 खिलाड़ी 21 सदस्यीय टीम में शामिल किए गए हैं। ये 6 सदस्य हैं, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता टिर्की। यह पहली बार है जब अंडर 17 महिला फुटबॉल की भारतीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर, गोवा के मडगांव और नवी मुंबई में फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 13वां, 7वां, 2रा अथवा 1ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा। यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट में झारखंड को 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को सेकंड टॉपर अवार्ड के साथ कुछ अन्य शहरों को भी यानी झारखंड के कुछ अन्य शहरों को भी विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। वैसे आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में झारखंड की स्थिति बहुत प्रशंसनीय नहीं थी, परंतु धीरे धीरे 2022 तक राज्य की जनता के सहयोग और शहरी निकायों तथा राज्य सरकार के कुशल मार्गदर्शन में राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी सम्मान प्राप्त किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है? रामगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज, चाईबासा फील्ड फायरिंग रेंज, सोनारी फील्ड फायरिंग रेंज अथवा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने का प्रस्ताव पर सहमति दे दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से हजारों आदिवासियों का 30 वर्षों से संघर्ष चलता रहा है जो अब समाप्त हो जाएगा।
आपको बता दें कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित जनता द्वारा पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द करने हेतु विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। वर्तमान में भी प्रत्येक वर्ष की भांति नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में 22-23 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो यह था दोस्तों प्रश्न नंबर 4। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से झारखंड की किस लिमिटेड कंपनी को सुरक्षा और स्थिरता श्रेणी में 2021-22 का कोयला मंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? टाटा स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड अथवा आधुनिक स्टील लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL को यह कोयला मंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 18 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की झारखंड स्थित सहायक कंपनी CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को 2021-22 के कोयला मंत्री पुरस्कार से पुरस्कार में सुरक्षा श्रेणी में दूसरा जबकि स्थिरता श्रेणी में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि CCL की स्थापना 1 नवंबर 1975 को CIL की 5 सहायक कंपनियों में से एक सहायक कंपनी के रूप में हुई थी और CCL को प्रारंभ में इसे NCDC लिमिटेड के नाम से जाना जाता था यानी NCDC लिमिटेड के बाद में इसका नाम CCL कर दिया गया। आपको बता दें कि CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड वर्ष 2007 से कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी भी है। कोल इंडिया लिमिटेड कोयला हेतु देश की प्रथम नियंत्रक कंपनी है और शुरुआत में इसकी 5 सहायक कंपनियां थी जबकि अभी CIL की 8 सहायक कंपनियां हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।